हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम एक कप पोहे से बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता। फ्रेंड्स, आप बाज़ार से समोसा कचौरी लाना भूल जाओगे, जो इतना ये टेस्टी नाश्ता बनता है। बहुत इजी नाश्ता है, बहुत कम टाइम में और बहुत फटाफट ही नाश्ता बन भी जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है नाश्ता। फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी की ओर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक बॉल चाहिए। बॉल में एक कप पोहा डाल देते हैं। पोहा को दो पानी अच्छे से धो लेते हैं। इसमें 3 से 4 चम्मच बड़े पानी डाल के पोहा को अच्छे से सेट करके ढक के हमको इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। जब तक ये रेस्ट पे रहेगा तब तक हम फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए फ्राई पैन लेंगे। इसमें 2 चम्मच जितना तेल डाल देते हैं, 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं, 3 से 4 चुटकी जितना हींग डाल देते हैं, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डाल देते हैं और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल के इसको अच्छे से चलाते हुए सॉफ्ट होने तक इसको हम भून लेते हैं। ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसाले को डाल के मिक्स कर देते हैं। इसमें बेसिक से मसाले हैं जो घर में हम रोज़ाना यूज करते हैं खाने में, और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेते हैं मसाले को। जब 2 मिनट के लिए मसाले भून जाए तो मीडियम साइज के आलू को कद्दूकस करके पानी में पहले रखी थी ताकि इसका कलर चेंज ना हो, और पानी निचोड़ के आलू को हम डायरेक्ट फ्राई पैन में डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके ढक के इसको 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद आलू को अच्छे से हमको चलाते हुए सॉफ्ट करना है। एकदम ये सॉफ्ट हो जाता है, 5 से 7 मिनट के अंदर में अच्छे से पक जाता है। इसमें पकने में टाइम नहीं लगाता है। और 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो किसी बॉल में निकाल के इसको ठंडा कर लीजिए। अब पोहा को चेक करते हैं। पोहा एकदम फूल गया, आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो गया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं बोली थी कि पानी आप डाल के रखिए तो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। 1/2 चम्मच हम नमक डाल देते हैं, 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं और 1 चम्मच व्हाइट तेल डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छे से हमको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है और बीच बीच में 2 से 3 चम्मच पानी भी डालना है ताकि इसमें लचीलापन आए और ये अच्छे से गूथ जाए। जैसे हम घर पे नॉर्मल रोटी बनाते हैं या कचौरी बनाते हैं, ऐसे इसका आटा बना के तैयार करना है। हाथ से मसलते हुए बनाना है। इसमें थोड़ी सा टाइम लग जाती है फ्रेंड्स, इसको मसलने में कम से कम 5 से 7 मिनट टाइम लग जाती है। और पानी डाल डाल के आप ही गूथोगे, तभी जाके अच्छे से ये आटा जैसे गूथेगा, नहीं तो बिना पानी के गूथोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। पानी डाल के अच्छे से गूथ के देख लेना। देख सकते हैं बॉल्स बनना शुरू हो गया है, तो हाथ हम अच्छे से साफ कर लेते हैं और हाथ में तेल लगा लेते हैं और इसको हम बॉल्स बनाएंगे। जो रोटी बनाते हैं नॉर्मल, उसे थोड़ी सी छोटी लोई बनाएंगे। इसको कुचिया करेंगे, एकदम पतला कुचिया करना है और इसके अंदर जो हम आलू की फिलिंग बना के रखे हैं उसको भर देते हैं। 1 चम्मच जितना फिलिंग रखेंगे, ज़्यादा रखिएगा तो फिर भरने में दिक्कत आएगी। और अच्छे से इसको हम भर लेते हैं। जो घर पे नॉर्मली आप आलू पराठा बनाते हो वैसे ही इसको फिलिंग को भरना है। भरने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसको थोड़े सा हाथ से शेप दे देंगे और हल्का सा चिपटा कर देंगे। आप चाहे तो कोई और भी शेप इसका दे सकते हैं। साग को बना के एक प्लेट में मैं रख ली हूँ। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फ्राई पैन लेंगे। इसमें 1/2 लीटर तेल डाली हूँ। तेल को हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म करके मीडियम फ्लेम करके इसमें सारे हम नाश्ता को डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से पलटा की मदद से इसको पलट लेते हैं। ऐसे ही इसको उलटते पलटते कलर चेंज होने तक इसको हमको फ्राई करनी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, और उससे ज़्यादा टेस्टी खाने में लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप बाज़ार से समोसा कचौरी भी भूल जाओगे फ्रेंड्स। आपको मैं एक इसका आवाज़ सुनाती हूँ। आप देख सकते हैं इसका आवाज़ कितना क्रंची है। ऊपर से एकदम क्रंची बना है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है। आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम कचौरी और समोसा भी भूल जाओगे फ्रेंड्स खाना। इतना ये टेस्टी और इतना ज़्यादा ये हेल्दी नाश्ता है। इसको मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।